हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, वो भी मैं तवे पर बना रही हूँ। तो मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है मैंने, और मैंने धनिया लिया है, गाजर लिया है मैंने, हरी प्याज लिया है, और मैंने कैप्सिकम लिया है, गोभी लिया है मैंने, बीटरूट लिया है, मटर लिया है, टमाटर प्यूरी लिया है मैंने, आलू लिया है मैंने बॉयल, अदरक लहसुन लिया है मैंने, नमक हल्दी मिर्ची ली है मैंने, कश्मीरी पाव लिया है मैंने, और चाट मसाला लिया है। तो चलिए चलकर बनाते हैं हम पाव भाजी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तो इसमें हम बटर ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे, अब हम सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे, गाजर, कैप्सिकम, चुकंदर, मटर। मटर को मैंने बॉईल कर लिया है, बाकी सारी सब्जियां मेरी कच्ची हैं। और आलू को मैंने बॉईल करके काट लिया है। गोभी ले लेंगे, गोभी को मैंने क्रश कर लिया है। अब हम सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हमारी मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे आधी चम्मच, क्योंकि अभी हमें तड़का में भी डालना है। और मैंने देवी की मिर्च डाली है कश्मीरी आधी चम्मच। सब्जियां हमारी देखिए पूरी पक गई हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। हम धनिया डाल देंगे एक चम्मच, अमचूर डाल देंगे आधी चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे एक चम्मच, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब्जियां हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। इन्हें हम मैश कर लेंगे मैसर से, हम अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरह से मैश हो गई है, ये देखिए। अभी हम तड़का में और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत रह भी जाएगी। अच्छी तरह से मैश हो गई है, अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, तो सब्जी हमारी तैयार हो गई। अब हम तड़का लगाते हैं तवा में। तवा हमारा गरम हो गया है, इसमें अब हम बटर डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि बटर हमारा जले ना। बटर मेल्ट हो गया है, तो अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अब हम प्याज डाल देंगे इसमें, इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज हमारी देखिए गुलाबी हो गई है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, ये मैंने 5-6 टमाटर काट लिए हैं, इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसमें हम एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली डाल देंगे, एक चम्मच मैंने जीरा, धनिया, सौंफ, ये सब पाउडर मैंने बना के डाल दिया है।
मैंने एक चम्मच चाट मसाला लिया है, सभी को हम अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए टमाटर और मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इसमें हम सब्जी डाल देंगे जो हमने कढ़ाई में बनाए थे। भाजी हमारी बन गई है, इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे। ये हमने एक नींबू का रस लिया है, इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, आधी चम्मच हमने पहले डाल दिए थे, आधी चम्मच अभी हम फिर डाल दिए। ये सब मिक्स हो गया, हमारी सब सब्जियां मिक्स हो गई हैं। इसको एक बार हम फिर अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। भाजी हमारी रेडी हो गई। सब्जियां हमारी देखिए अच्छी तरह सब मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, हरी प्याज डाल देंगे हम, इसमें अब हम हरी धनिया डाल देंगे, ये हम अदरक के थोड़ी बहुत टुकड़े डाल देंगे और सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी तवे में हम बटर डाल देंगे, तिली डाल देंगे हम थोड़ी सी सेजमी सी, आधी चम्मच हम रेड चिली डाल देंगे कश्मीरी, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वन पिंच हम नमक डाल देंगे इसमें, इसमें हम अपने पाव को सेक लेंगे। हमने पाव को काट लिए हैं, इस तरह से हम अच्छी तरह सेक लेंगे। तो देखिए पाव हमारे अच्छी तरह से सिक गए हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी पाव भाजी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।